गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज है संडे और अभी नहाने जा रही थी तो सोचा कि ब्लॉग को शुरू कर देती हूँ। बहुत दिनों से ना मैंने अपने वालों पे कुछ लगाया नहीं था, वाल जो है वो थोड़ा सा रफ हो गए थे, तो इसलिए आज मैंने सोचा कि आज कुछ करते हैं इनका। तो मैंने लिया एक बनाना जो बहुत ज़्यादा पक गया था, तो वो तो खाने लायक था नहीं, तो उस बनाना को ले लिया। उसका छिलका जो है ना वो ब्लैक ब्लैक सा हो गया था, तो उस छिलके को नहीं लिया, और एक दो बनाने के छिलके लिए जो येल्लो येल्लो थे, तो उसके साथ लिया दो लेमन का छिलका जो हम उसका पानी निचोड़ के हमने पी लिया था ना, तो वो छिलके वहीं किचन में थे, तो उन छिलकों को भी ले लिया, तो उसको ग्राइंड कर दिया। और उसके बाद उसमें डाला हनी, दो चम्मच हनी, उसको पेस्ट बनाकर अपने बालों में लगा लिया। एक घंटा हो गया है, अभी मैं जाती हूँ नहा के आ जाती हूँ, फिर आज की ब्लॉग को शुरू करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अभी मैं आ गई हूँ नहा के और बाल जो है वो एकदम स्मूथ स्मूथ लग रहा है, तो चलिए अभी देखते हैं आज क्या रसोई होने वाला है। खाने को दो। मैगी ओके, जल्दी जल्दी आना खाइबा भूख को। रुक जा माँ को टिके नहीं खाइबा। बढ़िया लगे बच्चों को जरा पढ़ लो जा। कौन जा खाइ दिले बढ़िया हजम भी है जो मरा गैस प्रॉब्लम होने है। ये जो बनाया है लिसान ना एकदम मस्त बनाया है, इसकी रेसिपी मैं आपको ब्लॉग में आगे देने वाली हूँ, तो देखिएगा जरूर। जानू बाहर लेने ना मान बुझा मैं के बाहर जो था क्या कर रहे हैं पेंसी, हाय बोल दो। वो होमवर्क कर रही है, क्या है आज होमवर्क में? सब्ट्रैक्शन। ओके अच्छा सबू, ओके बाय, अभी मैगी लेके आते हैं। ओके ओके पानी अच्छी थी। अंकुर, जब भी मैं कैमरा लेके आती हूँ ना तो ये लड़का छुप के भाग जाता है। इसको बहुत ज्यादा शर्मा रही है। माड़ो माड़ो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बता रही हूँ उसकी रेसिपी जो लिसा भी खा रही थी। प्याज लहसुन हरी मिर्च को यहाँ पे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, टमाटो को भी काट लिया है। कढ़ाई में लिया है सरसों का तेल, और जब तेल गर्म हो गया मैंने उसमें डाला पंचफूटन, और उसमें प्याज लहसुन और हरी मिर्च डाल दिया है। इसे अच्छे से फ्राई करेंगे इन तीनों को। आप इसमें सिर्फ प्याज या फिर सिर्फ लहसुन भी ले सकते हो, तो मैंने यहाँ पर तीनों लिया है। जितने भी ओड़िया है ना उनको तो ये आइटम जरूर पता होगा। इसको बनाने के लिए आपको कम से कम 5 से 7 मिनट या फिर 10 मिनट लगेगा। ये देखिए अच्छे से फ्राई हो गया है। इसमें अभी हम डाल देंगे टमाटो, यहाँ पे मैंने लिया है थोड़ा सा कसूरी मेथी। कसूरी मेथी जो है इसका टेस्ट जो है बढ़ा देता है। उसके साथ टमाटर ले लिया है, और उसके बाद मैं इसमें मसाला वैसे कुछ नहीं, सिर्फ हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा मैं तीखा खाती हूँ तो लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा नमक, और थोड़ा सा मैं लूँगी क्या धनिया पाउडर। धनिया पाउडर वैसे कोई डालते नहीं है, लेकिन थोड़ा सा डाल लेंगे तो उसका टेस्ट अच्छा आएगा।
तो ये मसाले सब जब अच्छे से पक जाएंगे ना तो हम इसमें ले लेंगे आलू। उबले हुए आलू मैंने रखा है, आप उबले हुए आलू को छोटे छोटे टुकड़ों में काट सकते हो। मैं नहीं काट रही हूँ, मुझे ऐसे ही आलू पसंद है, हाथों से मैं बस मास कर में करके इसमें डाल देती हूँ, मुझे ऐसे ही पसंद है। आप इसे काट के भी डाल सकते हो। और आलू के साथ इन मसालों को थोड़ा सा पका लेंगे और उसके बाद इसमें दे देंगे पानी। और इसे बनाना है बहुत इजी, और आप इसे रोटी के साथ खा सकते हो, बहुत टेस्टी है इस। और जब ये पक जाए अच्छे से ना तो ऊपर से आप इसमें डाल सकते हो धनिए के पत्ते, लेकिन लिसा ने इसमें डाले थे कड़ी पत्ते, कच्चे कड़ी पत्ते जो है ना वो कच्चे थे। कितना टेस्ट उसका अच्छा आ रहा था, मैंने पहले कभी खाया ना था। मैं हमेशा इसमें धनिए के पत्ते डालती थी, लेकिन आप इसमें कड़ी पत्ते भी डाल के ऊपर से वैसे खाइएगा, देखिएगा इसका टेस्ट कितना अच्छा आ रहा है। इसमें फिल्टर लगाया गया है ना तो इसे इसलिए इसका कलर ऐसा दिख रहा है, लेकिन इसका कलर ऐसा नहीं है। और ऐसे कड़ी पत्तों को आप कच्चा खाइएगा, इसके साथ बहुत टेस्टी है। और कड़ी पत्तों को कच्चा खाना हमारे पेट के लिए कितना अच्छा है ये आप सबको तो मालूम ही है। तो लिसा खा रही है रोटी और आलू पानी, और हम सब खाएंगे मैगी। यहाँ पे चला है हमारा मैगी फेस्ट। ए भाई बड़े रिसु जी, मुझे भी मुझे आलू पटोरो चपटा है। टेबल पे मेरे को क्या समझ रहा हूँ, चिप्स बने से बड़े लगे बड़े तो फ्रेंड्स ये है आज का ब्लॉग, कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय। हाँ कौन हूँ।